हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वीडियो, क्योंकि मैं एक या डेढ़ हफ्ते से मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रही हूँ एंड दीज आर फ्रॉम द फेमस ब्रांड ग्लैमर्स। और मैं उनके जो फज ऑफ क्रीम है और ये जो बटर फिंगर्स है, मतलब हैंड एंड नेल क्रीम, मैं इन दोनों क्रीम्स को ट्राई कर रही हूँ पिछले एक डेढ़ हफ्तों से। एंड मैंने कुछ छोटे छोटे क्लिप्स भी शूट किया है जब मैं इसे पहली बार ट्राई कर रही थी। एंड जब मैंने लास्ट अभी रिसेंट में ही जब मैंने लास्ट इसे इस्तेमाल किया, सब क्लिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी ताकि आप सबको हेल्प हो कि किस तरह से इसने मेरे हैंड्स एंड मेरे फिंगर्स के जो स्किन है उसे चेंज किया है, ताकि आप सबको हेल्प हो, यू नो, टू नो दिस प्रोडक्ट इन अ बेटर वे। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा स्लीक एंड क्लासी वाइट पैकेजिंग में आता है और ट्यूब फॉर्म में है। बहुत छोटू सा ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, तो हैंड एंड नेल क्रीम्स जनरली ट्रैवलिंग के वक्त बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, विच इज़ वाई ये जो बटर क्रीम है इसका पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं इसे डेली बेसिस पर इस्तेमाल करती हूँ। दिस हैज़ बिकम माई बेस्ट फ्रेंड। और ये जो फज ऑफ क्रीम है, ये मैं आपको हेयर रिमूवल प्रोसेस के बाद इस्तेमाल करना है, क्योंकि उस टाइम जो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी लेग्स की अगर प्रॉब्लम है आपको, या फिर अगर आपको ब्राउन स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम है, जो कि जनरली वैक्सिंग एंड हेयर रिमूवल क्रीम्स इस्तेमाल करके होता है, और फिर अगर फ्रिजीनेस है स्किन में, छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं या फिर माइक्रो कट्स हो जाते हैं, उसके लिए ये क्रीम बहुत अच्छा है। एंड पहली बार जब मैंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया ना, बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जनरली जब मैं अगर हेयर रिमूवल क्रीम भी इस्तेमाल करती हूँ या फिर मैं वैक्सिंग भी करती हूँ, उसके बाद मेरी स्किन इतनी ज़्यादा रेड हो जाती है, बट इसे इस्तेमाल करके मेरे जो वो रेडनेस थी, वो जो जलन थी और जो माइक्रो कट्स थी, वो इंस्टेंट एकदम रिड्यूस हो गई। एंड मैंने इसे नेक्स्ट टाइम जब मैंने हेयर रिमूवल किया अपने लेग्स पर, तब भी मैंने इसे इस्तेमाल किया है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है इसका प्राइस भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बटर क्रीम विच हैज़ बिकम माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि ये जो एक्चुअली ये बटर फिंगर्स है इसका नाम, बट आई कॉल इट बटर क्रीम क्योंकि ये मुझे एकदम बटरी सॉफ्ट लगता है एंड बिल्कुल नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीजी है। और हाँ, जब बेस्ट पार्ट है ना, मुझे नहीं पता कि इसे इस्तेमाल करके या इसे इस्तेमाल करके मुझे वो बेनिफिट मिला है, बट एक्चुअली ना मेरे इस पोर्शन पे, यहाँ पे ना छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं एंड आई एम सो शॉक्ड, क्योंकि वो जो स्पॉट्स थे मैंने कितना कुछ किया था लेकिन वो स्पॉट्स रिड्यूस ही नहीं हो रहे थे। बट इसे तो मैं दिन में तीन चार बार तो इस्तेमाल करती ही हूँ और रात को सोने से पहले भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद इसे इस्तेमाल करके ये हुआ है, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो एकदम नॉन ग्रीजी, नॉन ऑयली है, हेवी नहीं है, आपके हैंड्स पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बहुत हेवी अप्लाई किया है, इंस्टेंटली अब्जॉर्ब भी हो जाता है येट मॉइस्चराइज भी करता है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं देता। एंड यू ऑल नो माय स्किन इज सुपर सुपर डुपर ड्राई, तो मुझे इस विंटर सीजन में इसकी वजह से इतना ज़्यादा ड्राइनेस फेस भी नहीं करना पड़ा। ये दो क्रीम्स क्रुएल्टी फ्री, पैराबेन फ्री है, वीगन है, डाई फ्री है, सिलिकॉन फ्री है, दीज आर मेड इन इंडिया। इसमें कोई पैराबेन, कोई SLS और SLES, कोई सिलिकॉन नहीं है, कोई लीड नहीं है एंड कोई थैलेट्स भी नहीं है, कोई मिनरल ऑयल, पेट्रोलेमेट या फिर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस भी नहीं है, वीगन है, डाई फ्री है एंड क्रुएल्टी फ्री है। सो ऑल द गुड स्टफ्स आर प्रेजेंट इन दीज टू ट्यूब्स, सो यू शुड ट्राई दिस वन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, एटलीस्ट ट्राई दिस बटर फिंगर्स, ये मेरा फेवरेट है। एंड लुक एट द इंग्रेडिएंट्स, इसके अंदर शिया बटर है, एलोवेरा लेवेंडर है, विच आर माई फेवरेट, एंड इट जस्ट मॉइस्चराइजेस एंड सॉफ्टन्स योर हैंड। मेरे जो ये ब्राउन स्पॉट्स की जो प्रॉब्लम थी ना, जो कि रिड्यूस हो रही है, सो आई वुड गिव द क्रेडिट टू दिस टू प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हेयर रिमूवल क्रीम्स इस्तेमाल करने के बाद मेरे ब्राउन स्पॉट्स ज़्यादा बढ़ गए, तो इसे इस्तेमाल करके वो रिड्यूस हुआ है, या फिर मॉइस्चराइजिंग की वजह से या इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स है उसकी वजह से वो ब्राउन स्पॉट्स रिड्यूस हुए हैं। बट मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगी। सो माई फाइनल कंक्लूजन अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स इज दैट आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ क्रीम ही नहीं, बट अंदर से इसका जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल
मिलेगा, बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, स्पेशली इनके प्राइसेस भी काफी कम है। ये जो बटर फिंगर्स है ना, इसका प्राइस है 50 ग्राम्स का जस्ट 345 रुपीस, एंड ये जो फज ऑफ सूदिंग पोस्ट हेयर रिमूवल लोशन है इसका प्राइस है 50 ग्राम्स का 495 रुपीस ओनली। ये जो फज ऑफ क्रीम है ये आपके जो इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को काफी रिड्यूस करता है, ब्राउन स्पॉट्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेक योर स्किन वेरी स्मूथ। स्ट्रॉबेरी लेग्स की प्रॉब्लम को भी ये रिड्यूस करता है, और ये जो बटर फिंगर्स है विच इज़ माई फेवरेट, ये भी आपके स्किन को इतना नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, सॉफ्ट एंड बेबी सप्पल बनाएगा। सो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस वन, और ये बिल्कुल नॉन ग्रीजी नॉन ऑयली है, अपने हैंड बैग में आप इसे कैरी कर सकते हैं। That's all for today's video. Video पसंद आए video को like करें, share करें, and don't forget to subscribe to my channel. आज के लिए इतना ही, stay blessed, stay happy. Bye.